पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल पति के खिलाफ मारपीट व गला दबाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करा चुकी पत्नी अब सीबीआई के पास जाने की तैयारी में है। पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ अब खुलकर सामने आ गए हैं। पत्नी का कहना है कि वह कांस्टेबल पति के खिलाफ एसपी से जांच कराएगी, जबकि कांस्टेबल पति आरोप लगा रहा है कि वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि लुटेरी दुल्हन है। पत्नी ने कांस्टेबल पति के खिलाफ मारपीट व चाय में जहर देकर मारने के अलावा दहेज का मुकदमा दर्ज करा रखा है। महिला का कहना है कि जब तक वह पति के खिलाफ दर्ज मुकदमों में चालान नहीं करवा देती तब तक दम नहीं लेगी, जबकि कांस्टेबल पत्नी को लुटेरी दुल्हन बता रहा है और उसने भी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा रखा है। दोनों की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमों की जांच एसआई अनीता को सौंपी है। दोनों ने की थी दूसरी शादी। सोनाली की शादी के बाद उसका पहले पति से 2013 में तलाक हो गया व दो बच्चे भी उसी ने रख लिए थे। सोनाली ने 2017 में बिलुराम से शादी कर ली। बिलुराम की पहली पत्नी से उसके दो बच्चे हैं। पत्नी की मौत के बाद उसने सोनाली से दूसरी शादी की। पति ने धोखा दिया, अब सहन नहीं करूंगी। पत्नी सोनाली पुलिस लाइन के क्वार्टर 157 में रहने वाली सोनाली यादव का कहना है कि वह अपने कांस्टेबल पति बिलुराम से तंग आकर 10 महीने पहले बीएसपी कार्यालय जाकर अपने ऊपर तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास कर चुकी है। इससे पहले बिलुराम ने उसे मारने के लिए चाय में जहर डाल दिया था। उसका आरोप है कि पति ने दहेज का सामान रख लिया और अब जबरन घर से निकालकर तलाक देना चाहता है। सायनाली का आरोप है कि कांस्टेबल भाईने के कारण पुलिस उसके पति का ही सहयोग कर रही है और उसका चालान नहीं कर रही है। पति के आरोपों का मुझ पर काई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मामले की जांच एसपी से कराना चाहती हूँ। कायर्ट में पेशवाई कर सारे सबूत दे दूंगी। धोखाधड़ी में उस्ताद है मेरी पत्नी। कांस्टेबल इधर पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल बिलुराम का कहना है कि पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी कागजात तैयार करने का मुकदमा कोतवाली में दर्ज कराया है। उनका कहना है कि सोनाली उसके घर अनाथ बनकर आई थी। शादी के बाद उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और अब उसकी नजर प्रॉपर्टी पर है। फंसाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है। वह लुटेरी दुल्हन है, उसके कारण उसे हवालात में बंद रहना पड़ा। हालांकि उसके पास उसकी पत्नी सायनाली के सारे सबूत हैं। उनके आधार वह उसके साथ कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है।